समाज की सुरक्षा की जवाबदारी पुलिस विभाग की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों के परिवार भी समस्याओं से ग्रसित नहीं है। पुलिस जहां लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तरह तरह के नारे लगाती है, महिला सुरक्षा से लेकर के परिवार परामर्श केंद्र तक चलाती है, वहीं इन पुलिसकर्मियों के परिवार भी ऐसी समस्याओं में फंसे हुए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ताजा मामला समान थाना क्षेत्र का है, जहां महिला पुलिसकर्मी के पति विक्रम सिंह परिहार थाना पहुंचकर अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। विक्रम सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी समान थाने में पदस्थ है, जिसकी किसी हुसैन नाम के पुलिसकर्मी से दोस्ती है। उसके चक्कर में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बुधवार को दोपहर पत्नी ने व्हाट्सएप में मैसेज कर आत्महत्या कर लेने की बात कही, जिसे देखकर विक्रम सिंह के पांव तले से जमीन खिसक गई। वो मैसेज के माध्यम से बात करता रहा, लेकिन महिला पुलिसकर्मी धमकी पर धमकी देती रही। पति ने बच्चों का भी वास्ता दिया और कहा कि आत्मघाती कदम मत उठाना, लेकिन पत्नी के द्वारा जवाब नहीं दिए जाने से भयभीत वह थाने पहुंच गया। लेकिन पुलिस वाली पत्नी के खिलाफ पुलिस कैसे कार्रवाई करती और पति की मदद करती? जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित पति ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई है। उसने बताया कि उसकी पत्नी के इशारे पर ही पीटीएस में तैनात हुसैन नाम का पुलिसकर्मी उसे टॉर्चर करता है और उसके परिवार को जेल पहुंचाने की धमकी दी जा रही है। उसने जब मामले की शिकायत महिला थाने में की तो न्याय नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब वो समान थाना पहुंचा है तो थाने में मौजूद महिला पुलिस अधिकारी ने भी उसे अमैया थाना लगने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। आइए सुनाते हैं महिला पुलिसकर्मी के पति ने किस तरह से आरोप लगाया है। और जब लगाए गए आरोपों के संबंध में महिला पुलिसकर्मी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पति नशा करते हैं और उनके चरित्र पर भी शंका करते हैं, जिसके चलते उन्होंने डराने के लिए इस तरह का मैसेज लिखा था। वहीं जब समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और पुलिस लाइन कॉलोनी का थाना अमहिया ही लगता है। आइए सुनाते हैं महिला पुलिसकर्मी के पति विक्रम सिंह परिवार को कि उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़। मैं और क्या शिकायत लेके आए? मेरा नाम विक्रम सिंह परिहार है। मेरी मैडम रोज मैसेज में लिख के भेजती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं पुलिस में हूं और पूरे परिवार को फंसा दूंगी और जो भी है पुलिस वाले सब देख लेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे। और इसका शारीरिक संबंध हुसैन एक कांस्टेबल है पीटीएस में, पहले पुलिस लाइन में था, फिर उमरिया भगा, फिर उसके बाद वो पीटीएस में आया, उसके बाद अभी 13 तारीख को इसका सीसीटीवी फुटेज भी था। मैं अपने परिवार के साथ था, मेरा सम्मान सर से नहीं उठ पाता, इसके सामने आके आँख मटक्के कर रहा था, आसकी कर रहा था, मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि इसका जीवन आसकी में ही संबंध है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इससे। क्या नाम है आपकी? मैं चाहता हूँ मेरा परिवार अच्छे से रहे और लेकिन उसका जो आसिक है पुलिस में ही है, पीटीएस में हुसैन, तो वो आके कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करता है और आके सामने गाड़ी लगा देगा, कुछ भी करेगा, आसगी पंती करेगा और मुझे डिस्टर्ब करता है सर। मैडम का क्या नाम है? और अमृता सिंह नाम है। कहाँ पदस्थ हैं? समान थाना में है और 811 बैच नंबर है। पुलिस जो होने की वजह से धौंस दे रही है, तुम्हारा कोई FIR नहीं लिखेगा और यहाँ तक जो भी मैडम है और जो भी सर हैं मेरा FIR नहीं लिख रहे हैं। कल को कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदार समान थाना प्रभारी और समान थाना महिला प्रभारी होंगे। मैं दैट्स इट, और इन्हूज नहीं चलाएगी, कोई दिक्कत। कहाँ निवासी हैं आप, कहाँ पर घर है? मैं पुलिस लाइन में रहता हूँ और न्यू कॉलोनी 3/1 में रहता हूँ, अपने मैडम के साथ ही रहता हूँ। काफ़ी समस्या रही, मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे दिन भर मैसेज देकर, आज मैसेज को जारी है, मैसेज देकर मुझे दबाव दिया जाता है कि मैं मर जाऊँगी, ऐसा ऐसा कर लूँगी, इसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक, अब पूरे परिवार को जेल में भेजेंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक।